नमस्कार, जायका विद संगे में आप सभी का स्वागत है। इडली सांभर इज फेमस साउथ इंडियन डिश। मेरा तो ये फेवरेट रेसिपी है। आई एम रेडी टू हैव इट एनी टाइम। टुडे आई एम प्रेजेंटिंग इडली सांभर विद अ ट्विस्ट। हम इडली में सांभर फिल करेंगे। ये ट्विस्टेड रेसिपी अपने पार्टीज में ज़रूर शामिल करें, आपके मेहमानों को बेहद पसंद आएगा। तो आइए ये इंटरेस्टिंग रेसिपी बनाना शुरू करें। तो यहाँ पे मैंने लिया है इडली का बैटर, सांभर, और ये सांभर की कंसिस्टेंसी आप देखिए, इसे ना ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा गाढ़ा रखना है। इडली बैटर और सांभर की रेसिपी मैंने शेयर ऑलरेडी कर लिया है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब मैंने सिलिकॉन मोल्ड्स में ग्रीस करके ले लिया है, तेल लगाकर ले लिया है। उसमें हम ये इडली का बैटर डाल देंगे। पूरा भर के नहीं लेना है, थोड़ा सा ही हम डालेंगे, 1/4 पार्ट ही हम इसका कवर करेंगे। अब हमें सांभर इसमें स्टफ़ करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ले रहे हैं पानी पूरी। पानी पूरी में आप कोई भी लिक्विड डालोगे तो वो उसे होल्ड कर सकेगा। तो इसमें इस तरह से हम होल घिरा देंगे। इसमें जो सांभर है वो इसमें हम पोर कर देंगे। सांभर में मैंने काफ़ी सब्जियां यूज़ की हैं, तो इसमें प्याज टमाटर जो हमने बारीक काटे हैं वो हम इसमें डाल सकते हैं। इस तरह से हम बीच में रख देंगे, और जो सांभर है उसको मैंने पूरा भर कर ले लिया है, इसे हम कवर कर देंगे। पूरा अच्छे से कवर हो जाना चाहिए, पूरा भरकर हम नहीं लेंगे। अब एक बर्तन में मैंने पानी गरम करके ले लिया है, उसमें ये जाली रख देंगे और ये मोल्ड्स हम इसमें प्लेस कर देंगे। सिलिकॉन मोल्ड्स मैंने यहाँ पे इसलिए लिया है ताकि इसे इजीली डीमोल्ड कर सके। अब इसे 10 मिनट स्टीम करके ले लेते हैं। चलिए 10 मिनट हो गए हैं, हम चेक करके ले लेते हैं। बढ़िया सा ये फूल गया है, देख सकते हैं आप, ये ऊपर की ओर रेज हो गया है। अब इसे हम निकाल देंगे और हल्का सा ठंडा करके ले लेंगे। चलिए इसे हैंडल कर सके उतना ठंडा करके ले लिया है। ये देखिए, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमने इसमें सांभर स्टफ करके लिया है। देखिए, और सिलिकॉन मोल्ड लिया है इसलिए बहुत ही आसानी से ये डीमोल्ड हो जाता है। घी डाला जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट पोड़ी मसाला इस पर स्प्रिंकल किया जाता है। आप चाहे तो इस पर नारियल की चटनी भी डाल सकते हैं। आइए इसे कट भी करके देख लेते हैं। देखिए ये सांभर आप देख सकते हैं। पूरी की साइज बड़ी लेंगे तो सांभर हम ज्यादा भर पाएंगे, और साथ ही में मोल्ड भी बड़ा लेना होगा। सिलिकॉन मोल्ड के बदले यहाँ पे आप मीडियम साइज की स्टील की कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और सांभर के बदले आप लिक्विड चटनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और मेरी चैनल पर अगर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही में जो बेल आइकन है उसे दबाएँ ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय।